हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? तो मैं यश कुमार आ चुका हूँ फिर से न्यू इंटरेस्टिंग ब्लॉग के साथ। तो गाइस, वेदर देख, तगड़ी बारिश हो रही है। सुबह से बारिश है, तो मैंने सोचा क्यों नहीं भाई, इसका फायदा उठा लें। ठीक है, और देख लो भाई, रेनकोट वगैरह पहन कर रेडी हूँ। तो फटाफट से भाई चलते हैं। और हमने एक्चुअली ना 9 बजे से 10 बजे का स्विगी का शिफ्ट बुक किया था। तो हालांकि हुआ कि हमें रेडी होने में टाइम लग गया, तो अभी 10 बज गए। तो अब मैं 10 से भाई देखता हूँ कौन सी शिफ्ट है, वो वाली बुक करता हूँ एंड निकलता हूँ फटाफट से, क्योंकि अभी 65 रुपीज का पर ऑर्डर एक्स्ट्रा मिल रहा है। तो भाई चलो दिखाते हैं आप लोगों को कितने की अर्निंग होती है। बड़ा बड़े चैनल को सब्सक्राइब करो एंड लाइक करो। हाँ, वीडियो में थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है, क्योंकि हर हर एक ऑर्डर में दिखा नहीं सकता, तो भाई थोड़ी सी मैनेज कर लेना। बाकी अब रेडी है, देख लो भाई। ठीक है, और मैं भी रेडी हूँ। चलो तो गाइस थोड़ी सी मैनेज कर लेना यार, लेंस वेंस में अगर पानी वानी चला जाए, क्योंकि हमारे हाथ भी गाइस गीले हैं, जो कि मैं साफ भी नहीं कर सकता। ठीक है, और चलो फाइनली मेरे को भाई 9:05 पे मेरे को ऑर्डर आ गया फसूस से। ठीक है, 90 रुपीज का है भाई, 65 रुपीज सच मिल रहा है, समझ रहे हो? तो उसके बाद भाई जो भी मिलेगा एक्स्ट्रा ही मिलेगा भाई, 65 एक्स्ट्रा पर ऑर्डर। तो 5 रुपए किलोमीटर भाई स्विगी देता है, उसके ऊपर से भाई 65 रुपीज, इसलिए 90 रुपए का है। और 1.5 किलोमीटर पिकअप और ड्रॉप देखता हूँ भाई कितना मिलता है। चलो ₹90 मिल गया भाई, ₹15 मोर रेन, ₹50 बोनस। ये देखो सेकेंड ऑर्डर भी आ गया सेम 90 रुपये का, 4.93 किलोमीटर। वाह भाई, इसी तरह बैक टू बैक ऑर्डर देते रहे तो मजा आ जाएगा अपने को। कॉन्ग्रेचुलेशन, यू हैव मेड द फर्स्ट ऑर्डर। जी मालिक। सेकेंड ऑर्डर जो है हमारा वो भी ₹90 का ही मिला है। ठीक है, और डिस्टेंस जो है 4.93 समथिंग था, तो ठीक है भाई, 90 रुपए में भाई इतना ज्यादा मिल रहा है तो बहुत है हमारे लिए, हमारे लिए क्या, हर राइडर के लिए। क्योंकि स्विगी जो है ना 5 रुपए किलोमीटर ही आपको देगा। ठीक है, अगर आप 5.5 किलोमीटर चल जाते हो तो 5.5 के हिसाब से ही आपको देगा, ऐसा नहीं कि 5 रुपए उसमें दे देगा, 550 मीटर का आपको 5 रुपए नहीं देगा। तो चलो हम भी चलते भाई, चिनार पार्क का बावला तल्ला रोड में है वहां। तो गाइस एक हो गया प्रॉब्लम, ये प्रॉब्लम ये हो गया कि ऑर्डर कैंसिल। ठीक है, मतलब मैं वापस से रिटर्न लेके जा रहा हूँ। अब क्या हो गया इनको? हेलो ना, बताओ यार कैंसिल हो गया, तब ये मुझसे मांग रही है। हुआ क्या मैं बताता हूँ, एक्चुअली यहाँ पे गलती रेस्टोरेंट का है। ठीक है, ऐसे बहुत बार मैंने देखा है कि रेस्टोरेंट जो है ना ऐसा मिस्टेक करते हैं। क्या केस हुआ मैं बताता हूँ आप लोगों को। इन्होंने कोम्बो का बुक किया था, ठीक है, पिज्जा कोम्बो का। तो यहाँ पे क्या था ना, कोम्बो ने इन्होंने सेलेक्ट किया था, कहाँ पे मेरे को रास्ता पहले ढूंढने दो भाई, जल्दी में पहुंच जाऊँ। हाँ, कोम्बो में इन्होंने सेलेक्ट किया था पिज्जा विथ आइसक्रीम। ठीक है, तो रेस्टोरेंट वाले ने क्या किया, इनको आइसक्रीम की जगह पे कैंपा थमा दिया, जैसे कि आपने देखा था। तो भाई कैंपा क्यों दिया तूने भाई, बताओ? जब मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ आइसक्रीम, तो आपको कैंपा देने का अधिकार किसने दिया, आप बताओ? अगर नहीं है तो ऑर्डर एक्सेप्ट मत करो ना, बता दो कि नहीं है अवेलेबल, या आइटम को अनअवेलेबल कर दो, वहां पे कही जाता है आपका। आप तो शो करो भाई, गलत सलत क्यों चीजें आप दे रहे हो कस्टमर को। तो भाई मैं यहाँ पे आया तो कस्टमर मेरे को बोल रही है कि मैंने तो भैया आइसक्रीम ऑर्डर किया था, आप तो कैंपा लेके आ गए। तो देखो यहाँ पे डाउट किसके ऊपर होगा, हमारे ऊपर होगा। तो हम नहीं चाहते भाई, मैं क्यों फंसू, मैं सीधा बोल दिया कि भाई एक काम करो, आप रेस्टोरेंट में बात करो, यानी तो हेल्प सपोर्ट में आप बात करो। अरे भाई रास्ता तो बहुत लंबा वाला हो गया।
तो उनका फोन वगैरह भी नहीं लगा था, इनको उतना नॉलेज भी नहीं था, ठीक है। तो मैंने अपने फोन से लगाया कस्टमर सपोर्ट में, एंड कस्टमर सपोर्ट बोल रहे थे कि आप या तो एक्सेप्ट कर लो या नहीं तो फिर कैंसिल करवा लो। तो मैंने बोला कि सर कस्टमर एग्री नहीं हो रहा है, आप कैंसिल ही कर दो। तो कैंसिल किया, और कैंसिल के बाद ये रिटर्न का ऑप्शन आ गया मेरे को। तो अभी हम जा रहे हैं रिटर्न करने। अच्छा, जैसे मैं रिटर्न के लिए निकल रहा था तो वो बोल रही कि दे दो आप मेरे को, ठीक है। मैंने बोला अब थोड़ी ना हो पाएगा भाई, अब रेस्टोरेंट में यहाँ पे असाइन हो चुका ऑर्डर रिटर्न टू रेस्टोरेंट, तो अब मैं कैसे दू आपको भाई, कैसे दू, है ना। तो अब चला मैं रिटर्न वापस से उतना ही किलोमीटर जितना आया था। अब देखता हूँ भाई 90 रुपए का प्लस कितना मिलता है, आई डोंट नो। अभी मैं रुक के जरा सा देख लेता हूँ क्योंकि हमारे लिए बेटर हो जाएगा, एक सेकेंड। शायद हमें अमाउंट जो है ना वो वाले का मिल गया होगा, लेकिन कम मिला होगा इतना तो उम्मीद है, मिला अगर होगा तो कम। अच्छा 90 रुपये ही मिला है, ओके ओके ओके, बढ़िया भाई 90 रुपये ही मिला मुझे, ये अच्छा है भाई स्विगी का। जोमेटो ऐसा नहीं करता, अगर ऑर्डर आप लेके गए हो और कैंसिल हो गया है तो फिर आपको उतना अमाउंट नहीं मिलेगा, आधा अमाउंट मिलता है। लेकिन यहाँ पे भाई स्विगी बेस्ट हो गया भाई। अब रिटर्न का देखता हूँ मिलता है या नहीं, अब मिलता भी है तो कितना मिलता है वो भी पता चलेगा आपको। चलो, बारिश रुक गई है लगभग 1 घंटे से, और स्विगी ने सर्ज को घटा करके 25 रुपए कर दिया है। बढ़िया है भाई, अगर उसके बाद भी वेदर ठीक हो गया तब वो हटा देगा भाई। लग रहा है स्विगी का ने भी अपडेट कर दिया है, पहले तो ऐसा नहीं होता था बट अब लग रहा है स्विगी ने भी अपडेट कर दिया भाई। रिटर्न हो चुका है, ठीक है। और इसका मैम तो बोली कि मुझे मिलेगा, बट यहाँ पे तो सो नहीं हो रहा है भाई। 130 रुपए का बोनस हुआ है और 50 रुपए का हमारा अर्निंग हुआ है, ठीक है। तो अब देखता हूँ भाई नेक्स्ट ऑर्डर आता है कब तक। मैंने 12 बजे तक का भी शिफ्ट बुक कर लिया, 12 से 4 तक का। अभी मैंने मात्र 2 ऑर्डर किया, 180 रुपए की अर्निंग हो गई भाई, और सर्च जो है वो बढ़ा करके 50 रुपया कर दिया है स्विगी ने, ठीक है। तो अब चलो नेक्स्ट देखते हैं भाई कौन से ऑर्डर आते हैं, लेकिन इसका अभी तक मुझे बोनस नहीं मिला है। मेरे साथ क्या हुआ ना, मैं रिटर्न देने के लिए आया, ठीक है। तो कस्टमर मतलब जो रेस्टोरेंट है उसको ओटीपी नहीं मिल रहा था, तो मैंने क्या किया, वो मेरे को बोले थे वेट कर लो मैं थोड़ा सा देख करके आपको कॉल करता हूँ। मैं सोचा इतना देर क्यों ही वेट करना, लो ऑर्डर आ गया भाई मेरे को अरसलान से, 75 रुपये मिल रहे हैं। अरे भाई 50 रुपये सर्च पे लगा के मात्र 75 रुपये, किलोमीटर देख लो 9.73 किलोमीटर, क्या है भाई इतना कम देगा भाई बताओ, 9.5 किलोमीटर के भाई इतना कम पैसे। चलो चलते हैं रेस्टोरेंट। तो आप यहाँ पे क्या करोगे ना, जब भी आपको अगर ऐसा कुछ प्रॉब्लम हो मतलब ओटीपी वगैरह ऐसे नहीं दे पा रहे रेस्टोरेंट वगैरह लोग, तो तुरंत ही कॉल करो अपने हेल्प सपोर्ट में, फोन करके भाई बोलो ओटीपी दो हमको या आप ऑर्डर को कंप्लीट करो, बस वो कर देंगे, आप भी निश्चिंत अपना काम हो जाएगा, है ना। चलो सर्च पे 25 बढ़ा करके 50 कर दिया है, बढ़िया है भाई। लेकिन तब भी भाई 9.5 किलोमीटर का मात्र 75 रुपीज, ये बड़ा नाइंसाफी है। तो हम निकल चुके हैं भाई चिनार पार्क अरसलान से, और टोटल 8 पैकेट की बिरयानी है, डिस्टेंस 8.3 किलोमीटर, 8.5 किलोमीटर। चलो जाते हैं फटाफट से, और ये डिस्टेंस जो है भाई न्यू टाउन की है, न्यू टाउन विश्व बंगला गेट मतलब DLF 2 की तरफ है। चलो फटाफट से हम इसको कंप्लीट करते हैं भाई। तो चलो गाइस ये हो गया यूनिटेक 1, एंड यहाँ पे मैंने कहा था डिलेट डिलीवर सॉरी डिलेट बोलो, 75 रुपीज मिला भाई। गो टू 255 रुपीज का हो गया भाई 4 ऑर्डर है, रिटर्न का 0 रुपीज दिखा रहा है, रिटर्न का कुछ भी नहीं दिया भाई। चलो 4 ऑर्डर हमारा आज के दिन कंप्लीट हुआ, 255 रुपये, ठीक है। इसका मिला 75 रुपीज, ठीक है, अर्निंग चल रही है भाई, ठीक है अर्निंग चल रही है। टाइम अपडेट गाइस 1 बज गया है, और अभी सर्ज पे जो चला है वो 50 रुपए का ही है। 1.5 बज गया, मैं आपको अर्निंग अपडेट बता करके जो है वीडियो को एंड करूंगा। तो
अर्निंग देखो गाइस, 3 घंटे लगभग 3.5 घंटे में हमने जो काम किया है वो 255 रुपीज का काम किया है, ठीक है। जो वो रिटर्न आया उस रिटर्न का कोई चार्जेस मुझे मिला नहीं। मैंने कस्टमर से पूछा तो वो बोल रहे थे कि मिलेगा, तो शायद उन्होंने, मेरे को लगता है कि जो कैंसिल ऑर्डर हुआ था उसका पेमेंट के बारे में उन्होंने सोच लिया। बट कोई नहीं, चलो 255 की अर्निंग हमारी हुई 3 घंटे में। और जो हमारा पेट्रोल कॉस्ट लगा है, टोटल मैं एवरेज लेकर चलू तो 30 किलोमीटर हमारे, मतलब गाड़ी चल गई, ठीक है, 30 किलोमीटर हमारी गाड़ी चल गई, जिसका पेट्रोल कॉस्ट होता है 60 रुपये, ठीक है। तो यही 60 रुपये गाइस हमारी अर्निंग रही आज की। बाकी जो है, मैं अगर बात करूं बाइक टैक्सी वर्सेस फूड डिलीवरी में, फूड ऐप में, तो मेरे को बेस्ट लगता है भाई बाइक टैक्सी। बिकॉज क्या है इसमें, मैं भाई घूमने फिरने वाला बंदा, ट्रेवल वाला बंदा, तो मुझे ये फूड वाले में मजा नहीं आता। देखिए सुजुकी की गाड़ी मस्त था देखने भाई। तो यहाँ पे ना मैं फूड डिलीवरी को इग्नोर करना चाहूंगा, बिकॉज मैं बस दिखा देता हूँ आप लोगों को कैसे क्या अर्निंग होती है। बट सबसे ज्यादा इंजॉय जो है ना वो बाइक टैक्सी में ही मिलती है, क्योंकि इसमें क्या है ना, हर जगह घूमने को मिलता है, कोलकाता के हर कोने कोने में। काफी बार ऐसा होता है कि आप वेस्ट बंगाल लोकल में घूमने लगते हो, है ना, काफी बार ऐसा मिलता भी राइड है आपको, देखना कि आपको वर्धमान वगैरह की भी मिल जाएगी, जो कि आपको इन ड्राइवर में दिखेगा ये सब, आसनसोल की भी राइड दिखेगी। बट अलग वो बात है कि बाइक वाले को जल्दी एक्सेप्ट नहीं करते, लेकिन कुछ कुछ ऐसे बंदे हैं जो कि भाई जा चुके हैं और बहुत का एक्सेप्ट भी हुआ है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे जो पैसेंजर है ना जिनको बाइक में ट्रेवल करना बहुत मजा आता है, तो वो लोग बाइक को एक्सेप्ट करते हैं। तो यही सब बात है भाई, बाकी बहुत अच्छा ही एक्सपीरियंस है, मैं खराब नहीं बोलूंगा, और अर्निंग भी ठीक ही है। ये तो भाई सर्ज के कारण हमें इतना 255 रुपये का अर्निंग हो गया 3 ही ऑर्डर में, ठीक है। नहीं तो अगर मैं सिर्फ ऑर्डर की बात करूं, सर्ज पे हटा दूं, तो भाई इसमें अर्निंग मेरी कुछ भी नहीं होती, 100 रुपये तक भी नहीं अभी होने वाली थी, ठीक है, क्योंकि 20-25 रुपये करके भाई हर एक ऑर्डर का, तो 20-25 में क्या ही होगा भाई, 3 ऑर्डर का 75 रुपये, 80 रुपये, 90 रुपये तक हाईएस्टली मेरा जाने वाला था। यहाँ पे आपने देखा ही 150 रुपीज तो हमारा गाइस सर्ज पे ही हमको मिला है, 150 रुपीज। तो यही बात है भाई, अगर सर्ज नहीं रहेगा तो भाई उतनी अच्छी अर्निंग नहीं होगी फूड डिलीवरी में। हाँ, होगा उन लोगों को जिनको भाई इंसेंटिव के पीछे भागते हैं, जो सारा दिन फूड का ही करते हैं, उन लोगों के लिए सही है, बाकी हम लोगों के लिए भाई बाइक टैक्सी सही है। और आप लोगों का क्या ओपिनियन है ये बताना, ठीक है। हाँ, लेकिन ये फायदा मैं बता दूंगा कि बारिश के समय में ना आपको बाइक टैक्सी में राइड नहीं मिलेगी, क्योंकि भाई सबको ऑफिस वगैरह जाना होता है, बहुत को हर जगह, बहुत जगह जाना होता है, मीटिंग के लिए जाना होता है, किसी से मिलने जाना होता है, तो उस समय क्या है ना बाइक टैक्सी आपकी कम हो जाती है, वहां पे कैब का ज्यादा डिमांड हो जाता है, ठीक है। तो बारिश के समय में फूड डिलीवरी सही होगा, क्योंकि उसमें क्या है सर्ज आपको अच्छी खासी, जिससे आज मुझे मिला उसी तरह। और बंगाल में पता ही है भाई, जब बारिश देती है तो कंटिन्यू भाई पूरे दिन भी दे देती है, पूरे हफ्ते भी बारिश चलती है, ऐसे ही चलता है। अगर मान लो एक दिन ही आप काम कर लेते हो, और बारिश के समय में ऑर्डर भी अच्छा खासा फ्लो रहता है, बहुत बढ़िया फ्लो ऑर्डर का रहता है, तो इजिली भाई आप लोग को ऑर्डर भी मिल जाएगा विद इन 5 मिनट के अंदर अंदर, ठीक है। जैसे कि अभी लास्ट टाइम मैंने कम्प्लीट किया, उसके बाद तो मेरे को राइड ऑर्डर नहीं आ रहा था, तो इसलिए मैंने बोला छोड़ो कोई दिक्कत नहीं है, तो इसलिए मैंने स्किप कर दिया। बाकी ऑर्डर मिलेगा, बाइक टैक्सी में डिमांड कम रहती है। मैं मॉर्निंग में आज लॉग इन किया था बारिश जब शुरू हुई थी, तो सोचा कि देख लेता हूँ अगर राइड वगैरह मिल जाए तो अच्छी बात है, बट लॉग इन तो कर दिया, काफी रेड रेड दिख रहा था, लेकिन मेरे को राइड नहीं आ रही थी। वही इन ड्राइवर का आ रहा था, तो इन ड्राइवर का यही सोचा भाई 2-2.5-3 किलोमीटर पिकअप, जब उसको आप क्लिक करके देखना चाहोगे तो 4-5 किलोमीटर हो जाती है ना, मतलब दिखाता कुछ है और करता कुछ है भाई, तो ये इन ड्राइवर का थोड़ी सी खराबी है, तो इसलिए इन ड्राइवर को स्किप करता हूँ, क्योंकि इन ड्राइवर राइड बहुत ही ज्यादा हो गया है, क्योंकि कस्टमर जो है ना वो ट्रिक समझ चुके हैं कि भाई अगर राइडर को पैसा ज्यादा ही देना है तो मैं क्यों ना इन ड्राइवर से एक्सेप्ट करवा करके उनको पैसा ज्यादा दूं, है ना, क्योंकि इन ड्राइवर में क्या है, अगर 5 किलोमीटर का आपको 30 रुपये में राइड एक्सेप्ट हो रही है, तो 50 रुपये आपको वो थमा करके निकल जाएंगे, देख लिए ध्यान से। अगर और अदर एप्लीकेशन की बात करो, लाइक रैपिडो, उबेर, ओला, इन सब में क्या है ना, इन सब में आपको 50 रुपये की राइड नहीं होती, वो आपको डिसाइड नहीं करना होता है, वो डिसाइड कौन करता है, एप्लीकेशन, ये कंपनी, ठीक है, कंपनी डिसाइड करता है कि आपको कौन सी कितना अमाउंट मिलेगा और कस्टमर कितना अमाउंट पे बुक करेगा, ठीक
ठीक है, तो यही फंड है भाई। तो उसमें भाई डिमांड किसी की नहीं चलती, क्योंकि उसमें जो है ना स्टार्टिंग ही होती है 50 रुपीज की। अगर 5 किलोमीटर की राइड है तो 50 स्टार्टिंग ही होगा। तो इमेजिन करो उस समय कस्टमर मांगेगा तो वो कितना फेयर हो जाएगा, 70 से 80 रुपीज का फेयर हो जाएगा, है ना। तो कस्टमर लोग भी बहुत चालाक है, यहाँ पे वो इन ड्राइवर यूज करते हैं ताकि उनका 30 में बुकिंग हो जाए और 50 से 60 में उनका डील फाइनल हो जाए। तो भी भाई 10 से 20 रुपए सेविंग उनका ऐसे भी हो जा रहा है ना। तो ये सब भाई फंड है, अपनाते हैं हर कोई, क्योंकि काफी राइडर है जो कि काफी ज्यादा डिमांड कर देते हैं पैसे को। 50 5 रुपए की राइड का 25 रुपए डिमांड कर देते हैं, एग्जाम्पल के लिए मैं बता रहा हूँ, ठीक है। तो इस सब के लिए भाई कस्टमर भी होशियार हो चुका है, इसलिए हमें जो है ना सारे एप्लीकेशन में राइड बहुत कम देखने को मिलता है अकॉर्डिंग टू इन ड्राइवर। जब से इन ड्राइवर आया है रैपिडो का भी वाट लगा के बैठा हुआ है। तो यही सब रीजन है भाई जिसके कारण जो है ना राइड वगैरह नहीं आ रही है। हाँ चलो, और आप लोग भी बताओ यार, आप लोग का कैसे क्या चल रहा है मार्केट, आप लोग स्विगी जोमेटो करना चाहोगे या नहीं। जोमेटो का ये सच बहुत कम होता है बारिश के ऊपर, कि जिस तरह का बारिश उस तरह का वो अमाउंट आपको देगा। अभी जैसे अभी सर्च खत्म हो गया होगा जोमेटो का, बट स्विगी में 50 का अभी भी चल रहा है। तो यही बात है भाई। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए चैनल को यार सब्सक्राइब करो और लाइक भी किया करो, और बाय बाय, सेफ ड्राइव, सेफ योर लाइफ एंड बी हैप्पी।